हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं C#.NET BCS6 सेमेस्टर में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक की, जो है हमारा कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। सो प्रीवियस लेक्चर में जो हम अपने टॉपिक रिवाइज कर चुके हैं, वह हमारे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल था, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल था, और अब जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। सो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल हमारा लिस्ट बॉक्स की तरह ही वर्क करता है। बस इसमें हमारा एक एड ऑन फीचर होता है कि यहाँ पर हमारा लिस्ट के साथ साथ टेक्स्ट बॉक्स भी हमें अवेलेबल होता है, यानी कि C# कंट्रोल आर लोकेटेड इन द टूल बॉक्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर हम C# कंट्रोल की बात करें तो C# कंट्रोल्स जो होते हैं वे हमारे विजुअल स्टूडियो IDE के टूल बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। यूज़ देम टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ फॉर्म। हम इनको यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए फॉर्म पर विद अ सिंपल सीरीज ऑफ माउस क्लिक्स एंड ड्रैगिंग मोशंस। अब क्या है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट्स अपने फॉर्म पर क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उस पर्टिकुलर कंट्रोल पर डबल क्लिक करते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे फॉर्म पर क्रिएट हो जाता है। अ कॉम्बो बॉक्स डिस्प्लेज अ टेक्स्ट बॉक्स कंबाइंड विद अ लिस्ट बॉक्स। यानी कि अगर हम कॉम्बो बॉक्स की अगर बात करें तो कॉम्बो बॉक्स जो हमारा कंट्रोल है वह हमारा जो फॉर्म पर अवेलेबल होता है, जो हम क्या कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ लिस्ट बॉक्स भी हमारे कंबाइन होता है कॉम्बो बॉक्स में, विच इनेबल्स द यूज़र टू सेलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, जो कि यूज़र को इनेबल करता है कि वह उस पर्टिकुलर लिस्ट में से आइटम्स को सेलेक्ट कर ले या फिर वहां पर वह नई वैल्यू एंटर कराए। आप देखें यहां पर हमारा कॉम्बो बॉक्स का एग्जांपल दे रखा है कि हमने यहां पर एक फॉर्म ले रखा है, ठीक है। फॉर्म पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कॉम्बो बॉक्स का विद द हेल्प ऑफ क्लिकिंग, तो यहाँ पर हमने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराई है। तो हम जब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो या तो हम उस पर्टिकुलर फॉर्म लिस्ट में से आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम वहाँ पर कीबोर्ड की हेल्प से न्यू वैल्यू एंटर करा देंगे, ठीक। यानी कि सपोज हमने वेडनेसडे सेलेक्ट करा, देन उसके बाद हमने बटन वन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा सेलेक्ट डे जो होगा वेडनेसडे वह मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। देन हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। हाउ टू ऐड आइटम्स टू कॉम्बो बॉक्स, यानी कि हम कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स को किस तरीके से ऐड कराते हैं। सो यू कैन ऐड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स विद ऐड मेथड, यानी कि आप जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करा सकते हैं ऐड मेथड की हेल्प से। सेम एज यहाँ पर भी हमारा ऐड मेथड यूज़ होता है, जिस तरीके से हमारा लिस्ट बॉक्स में ऐड मेथड यूज़ होता था। कॉम्बो बॉक्स 1.items.addSunday, यानी कॉम्बो बॉक्स 1 में हम आइटम्स को ऐड करा रहे हैं जो कि हमारा संडे है। देन नेक्स्ट वैल्यू जो होगी लिस्ट बॉक्स की, कॉम्बो बॉक्स के अंदर लिस्ट में जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी वह कॉम्बो बॉक्स 1.items.addMonday, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू मंडे है। देन कॉम्बो बॉक्स 1.items.addTuesday, नेक्स्ट वैल्यू ट्यूसडे। तो हमने थ्री वैल्यू जो है एंटर करा दी कॉम्बो बॉक्स में। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आइटम्स को ऐड करा दिया इन द कॉम्बो बॉक्स। अब है नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है कि हाउ टू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स, यानी कि हमें कॉम्बो बॉक्स में हमने आइटम्स को ऐड करा दिया, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर आइटम्स को जो हमने ऐड कराया उनको हम रिट्रीव कैसे करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू रिट्रीव द डिस्प्लेड आइटम, अगर आप डिस्प्लेड आइटम को रिट्रीव करना चाहते हैं टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल के थ्रू, तो यू कैन कोड लाइक दिस। तो आपको इस तरीके से कुछ कोड लिखना होगा, स्ट्रिंग वेर और वेर इज इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स 1.text, वेर इज इक्वल्स टू कॉम्बो 1
कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप जो है वह वैल्यू को रिट्रीव कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स, यानी कि हम कॉम्बो बॉक्स में से किस तरीके से एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यू कैन रिमूव आइटम्स फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स इन टू वेज। आप जो है कॉम्बो बॉक्स में से आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, उसके आपके पास टू वे हैं। कि आप फर्स्ट वे की अगर हम बात करें तो यू कैन रिमूव आइटम एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स और गिविंग आ स्पेसिफाइड आइटम बाय नेम। या तो आप उसे स्पेसिफाइड इंडेक्स के थ्रू यानी कि उसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, या आप उसको आप उसके नेम के अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। सो कोडिंग हम किस तरीके से करेंगे, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट वन, यानी कि हम वन इंडेक्स पे से आइटम्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके का कोड लिखा है। सो द एबव कोड विल रिमूव द सेकेंड आइटम फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स। अब सेकेंड आइटम क्यों कहा, क्योंकि हमारी इंडेक्स जो स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वह हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि ज़ीरो वन। फर्स्ट आइटम हमारा ज़ीरो होगा, देन नेक्स्ट आइटम हमारा वन होगा, यानी कि सेकेंड आइटम हमारा वन होगा। तो वो हमारा सेकेंड आइटम जो होगा लिस्ट कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट में से, उसको वह डिलीट कर देगा। कॉम्बो बॉक्स अब हमने तो अभी जो डिस्कस करा था वो हमने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू करा था, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम नेम के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हमने ले लिया फ्राइडे, यानी कि हम फ्राइडे को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हमारे कॉम्बो बॉक्स में से वह लिस्ट में से फ्राइडे को डिलीट कर देगा। एज द एबव कोड विल रिमूव द आइटम फ्राइडे फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स, यानी कि कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट में से वह फ्राइडे आइटम जो होगा उसको वह वहाँ से डिलीट या रिमूव कर देगा। नेक्स्ट अगर हम कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट हमारी कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी की होती है ड्रॉप डाउन स्टाइल। ड्रॉप डाउन स्टाइल की अगर हम बात करें तो ड्रॉप डाउन मतलब कि हम जब एरो पर क्लिक करेंगे तो वह ड्रॉप होकर डाउन में एक लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले कर देंगे। सो द ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड वेदर द लिस्ट इज ऑलवेज डिस्प्लेड और वेदर द लिस्ट इज डिस्प्लेड इन अ ड्रॉप डाउन। यानी कि ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टीज जो होती है वह स्पेसिफाई करती है कि जो लिस्ट है वह ऑलवेज डिस्प्ले हो और वेदर द लिस्ट इज डिस्प्लेड इन अ ड्रॉप डाउन, और जब कभी हमें उसकी यूज़ हो तो वह डिस्प्ले लिस्ट हमें ड्रॉप डाउन फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए। द ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी ऑल्सो स्पेसिफाइज वेदर द टेक्स्ट पोजिशन कैन बी एडिट। यानी कि ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें कब स्पेसिफाई होती है, जब हम टेक्स्ट पोर्शन पर क्लिक करते हैं एडिट के लिए। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज विंडो में अगर हम बात करें कॉम्बो बॉक्स की, तो यहाँ पर ड्रॉप मोड नॉर्मल, ड्रॉप डाउन हाइट 106। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन स्टाइल की अगर हम बात करें तो सिंपल ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि सिंपल लिस्ट के थ्रू हमें डिस्प्ले हो या ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू वो सिंपल हो, या फिर हमें ड्रॉप डाउन के वे में वो हमें मिल जाए, और या फिर हमें वह ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में मिले। तो यहाँ पर हमें इन तीनों ऑप्शन में से ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए एक सिंगल ऑप्शन जो है वह चूज़ करना पड़ता है। अगर हम कोडिंग की फॉर्म में बात करें, यह तो था हमारा डिज़ाइन टाइम पर, यह तो थी बात हमारी डिज़ाइन टाइम पर। अगर हम बात करें कोडिंग की हेल्प से, सो कॉम्बो बॉक्स वन डॉट ड्रॉप डाउन स्टाइल, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट ड्रॉप डाउन स्टाइल इज इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स स्टाइल डॉट ड्रॉप डाउन। यानी कि कॉम्बो बॉक्स वन में जो हम ड्रॉप डाउन स्टाइल ले रहे हैं इज इक्वल्स टू वह हमारे कॉम्बो बॉक्स स्टाइल में ड्रॉप डाउन वे में हमें डिस्प्ले हो एट द रन टाइम, एट द रन टाइम। ये डिज़ाइन टाइम की बात की थी और ये थी हमारी रन टाइम की बात। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने सी शार्प कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया, कि सी शार्प कंट्रोल में हमारा कॉम्बो बॉक्स जो होता है ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिज़ाइनिंग एनी फॉर्म बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। सो कॉम्बो बॉक्स में एक हमारा क्या एड ऑन फीचर हो जाता है लिस्ट बॉक्स की कंपैरिजन में, कि इसमें हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी अवेलेबल हो जाता है, जिसकी हेल्प से
हम पर्टिकुलर सिलेक्शन तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम न्यू वैल्यू भी इंसर्ट करा सकते हैं, उसके अलावा हम न्यू वैल्यू को भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब ऐड आइटम्स की बात करें तो हाउ टू ऐड आइटम्स टू अ कॉम्बो बॉक्स। ऐड आइटम्स की बात करें तो जिस तरीके से लिस्ट बॉक्स में हम कॉम्बो बॉक्स की ऐड मेथड की हेल्प से और इंसर्ट मेथड की हेल्प से आइटम्स को ऐड कराते थे और इंसर्ट करा देते, सेम ऐस क्या करेंगे यहाँ पर हम केवल ऐड मेथड को यूज़ करते हैं आइटम्स को ऐड कराने के लिए कॉम्बो बॉक्स में, आइटम्स को ऐड कराने के लिए कॉम्बो बॉक्स में, यानी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर ऐड करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइटम्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने संडे मंडे ट्यूसडे जो है वह हमने आइटम्स को ऐड कराया है। अगर हम बात करें कि हाउ टू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स, यानी कि दी हुई वैल्यू को हम कैसे स्ट्रिंग के फॉर्म में वापस लें, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोडिंग की हेल्प से यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया है और वेरिएबल में हमने जो वैल्यू वेरिएबल को जो हमने असाइन किया है वह हमने कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट को असाइन किया, यानी कि वह हमें स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल जो है वह रिटर्न करेगा। अब अगर हम आइटम्स की बात करें रिमूव करने की, तो हम कॉम्बो बॉक्स में टू टाइप्स से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वे है हमारा कि या तो हम उसको उसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, और अगर हम सेकंड वे की बात करें तो सेकंड वे में हम उसको उसके नेम के अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने वन इंडेक्स पर आइटम को डिलीट करा है। तो वन इंडेक्स पर क्या मतलब होगा, जो हमारे लिस्ट में सेकंड आइटम होगा कॉम्बो बॉक्स की वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि कॉम्बो बॉक्स वन आइटम्स में हमने रिमूव करा फ्राइडे नाम का आइटम, यानी कि नेम के अकॉर्डिंग हमने फ्राइडे लिया है, तो वो कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट में से फ्राइडे नाम का जो आइटम होगा उसको वह वहाँ से डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हमने बात की थी ड्रॉप डाउन स्टाइल के बारे में, यानी कि ड्रॉप डाउन स्टाइल के बारे में ये प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से हमने चेंज किया था कि हमारा ड्रॉप डाउन स्टाइल जो है वो थ्री टाइप्स का होता है, सिंपल, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन लिस्ट। इन तीनों में से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर या फिर हम इसे रन टाइम पर बात करें तो हम इस तरीके से कोडिंग की हेल्प से अपनी ड्रॉप डाउन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।